क्वेश्चन है कुछ अगर राजपूत की तरफ से, ये पूछते हैं जीएफ है क्या भाई, है क्या से क्या मतलब है यार, ये पूछो कि कितनी है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी हो भाई, मारो मुझे मारो मारो। A few moments later. So, hello, guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे and अच्छे ही रहना। तो मैं आ चुका हूँ Q&A वीडियो के साथ। जो वीडियो मैंने 10K पे पोस्ट किया था और बोला था आप लोग क्वेश्चंस पूछो, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उनमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे एंड कुछ फनी लगे, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एंड कुछ तो इतने मतलब महान तेजस्वी लोग का क्वेश्चंस है, तो मैंने उनको पुट किया है। एंड आई होप कि तुम ये वीडियो पूरा देखना एंड अगर पूरा देखोगे तो पक्का इंजॉय करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पे बने रहना लास्ट तक। एंड नए आए हो, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे, तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट जरूर से कर लेना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड लाइव स्ट्रीम्स करते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू एंड स्टार्ट करते हैं सभी बंदों के क्वेश्चंस का आंसर्स देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अजय गेमिंग का, भाई लव यू एंड फुल सपोर्ट, पर एक क्वेश्चन है भाई आपने यूट्यूब ही क्यों चुना? तो सबसे पहले तो यार थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। एंड अभी आपका क्वेश्चन कि भाई मैंने यूट्यूब क्यों चुना, तो भाई देखो मेरा पैसन था गेमिंग का एंड मेरे को कुछ अलग करना था। लाइक सब एक ही काम करते हैं एंड मैं सोचा यार नहीं, मेरे को कुछ अलग करना है अपने लाइफ में, कुछ अलग करना है। तो सो आई थिंक कि YouTube सही रहेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो बस मैं YouTube पे अपने आप को प्रूव करने के लिए आया हूँ एंड मेरे को लगा इससे अच्छा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होगा अभी प्रूव करने के लिए। बिकॉज यार अभी अपन स्टडी कर रहे हैं, तो यार सही है कि अभी स्टडी के साथ साथ ये थोड़ा सा काम भी करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने YouTube चुना। एंड मेन रीज़न यही है कि मेरा पैसन है गेमिंग एंड मेरे को गेमिंग करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सोचा कि आता हूँ YouTube पे एंड जो थोड़ा सा टैलेंट उसको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है रीसा मिश्रा की तरफ से, व्हेन यू वाज अ स्मॉल व्हाट वाज योर गोल एंड हाउ आर यू बिकम यूट्यूबर, बाय द वे बिग फैन लव यू। तो सबसे पहले यार दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड लव यू टू माय ब्रदर। एंड आप बोल रहे हो कि मैं जब छोटा था तो मेरा गोल क्या था, मेरा एम क्या था एंड मैं यूट्यूबर कैसे बना। तो सबसे पहले अभी तो मैं यूट्यूबर बना नहीं हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं जब छोटा था तो मेरे को यार इंजीनियर बनना था, बिकॉज पता नहीं क्यों बट मैं हमेशा से इंजीनियर ही बनना चाहता था जब मैं छोटा था। बट जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लाइक नहीं यार कुछ अलग करना है लाइफ में, कुछ अलग करना है। सो आई डिसाइडेड टू कि हाँ यूट्यूब करना चाहिए एंड इसके साथ मेरे को यार बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं बिजनेस करने वाला हूँ। सो अभी चेंज हो गया यार, माइंडसेट है चेंज होते रहता है। तो एडी गेमिंग का क्वेश्चन है, आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट है आपके FF जर्नी में? मेरे भाई देखो सपोर्ट तो पेरेंट्स का नहीं होगा पहले, बिकॉज यार पढ़ाई करना, सभी पेरेंट्स बोलेंगे भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई सब कुछ है, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करो मेरे भाई। तो हाँ यार ये सही है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट मेरे पेरेंट्स लाइक नहीं, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, बस गलत काम मत करना, तो ये कोई गलत काम नहीं है। तो हाँ सपोर्टिव तो है मेरे पेरेंट्स, लाइक कोई प्रेशर नहीं है मेरे पे कि हाँ तू यही कर। तो इन्हीं के तरफ से एक और क्वेश्चन है कि क्या आप घर पे ही लाइव स्ट्रीम करते हो या कहीं और? तो या मेरे भाई घर पे ही लाइव स्ट्रीम करेंगे ना मेरे भाई, कहीं और कहाँ पे करेंगे, घर पे ही करेंगे। तो आई होप कि आपके इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कुछ अगर राजपूत की तरफ से, ये पूछते हैं जीएफ है क्या भाई, है क्या से क्या मतलब है यार, ये पूछो कि कितनी है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी हो भाई, मारो मुझे मारो मारो। आगे इसका आंसर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, यूट्यूब इनकम कितनी है, एज कितनी है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपका नेम क्या है? तो मेरा भाई यूट्यूब इनकम अभी कुछ नहीं आता है, एज है 17, मम्मी पापा सब ठीक है, आपके बताओ आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपका नेम क्या है? तो मेरा नेम भाई राजपूत रोशन सिंह है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अयान भाई की तरफ से, ये बोलते हैं क्या आपको वो डायमंड देने वाली पसंद है? भाई कोई भी वो डायमंड देने वाली हर एक पसंद ही होगी भाई। कितने जीएफ तो लोग पूछ रहे हैं आप, मेरा सवाल कि आपकी ईएक्स कितनी है भाई, 6, 7, 10, 20 होगी ही। आप तो सबकी इंस्पिरेशन हो, अब एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या करना होगा? भाई मैं किसका इंस्पिरेशन बन गया? एंड यूट्यूबर बनने के लिए आपको बस मेहनत करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना होगा, बस इतना ही। पापा का पारा और पापा की परी चूज वन, यार पापा का पारा है और पापा की परी, भाई क्या बात है यार, अब्सोल्युटली यार, माँ का मगरमच्छ।
तो इन्हीं के नीचे एक और भाई साहब हैं, रियान चौधरी भाई। भूलना नहीं, बड़े यूट्यूबर बनने के बाद आपको 800 सब्सक्राइबर से फॉलो कर रखा हो भाई, दिल से शुक्रिया 800 सब्सक्राइबर से सपोर्ट करने के लिए। एंड कैसे भूल जाएंगे मेरे भाई जो स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी बहुत बहुत तेजस्वी लोग हैं यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका रियल नेम क्या है बता चुका हूँ, आपकी एज कितनी है ये भी बता चुका हूँ, गर्लफ्रेंड का नेम बता भाई, है ही नहीं तो नेम कैसे बताऊँ, चूज वन टी सीरीज या कैरी मिनाटी। अब्सोल्युटली कैरी मिनाटी माय ब्रो, कैरी मिनाटी का फैन हूँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घर वालों ने रोका कि नहीं यूट्यूब के लिए पढ़ाई करो या वाईटी। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई करो या फिर यूट्यूब, तो घर वालों ने एब्सोल्युटली हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो बट दोनों कर सकते हो, ऐसा कुछ चलेगा तो समझ रहे हो, रोका किसी ने नहीं है, जो मर्जी वो करो बट गलत काम मत करो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो दोनों कर सकते हैं पढ़ाई और वाईटी दोनों एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर एज 17 है भाई, कितनी बार एज पूछोगे, सब शादी वादी करवा रहे हो क्या, वेयर डू यू लाइव, अर्थ पे रहता हूँ, व्हाट इज योर रियल नेम, राजपूत रोशन सिंह। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, मजाक कर रहा था, अर्थ पे मैं यूपी के गोरखपुर से हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसा लग रहा है इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर्स गेन करके। तो मेरे भाई पहले बता दूं कि अच्छा तो लग रहा है बट इतने सारे सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी नहीं, मेरे को सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स करने में 2 साल लग गए थे, एंड देन अभी 2021 में थोड़ा सा मेरे को ग्रोथ मिला। तो यहाँ पे बेनी वाइटी भाई पूछते हैं, आपके इंस्पिरेशन लेजी गेमिंग क्यों है। तो मेरे भाई लेजी गेमिंग मेरी इंस्पिरेशन इसलिए है कि वो बंदा कभी आज तक हार नहीं मानता, वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है बिकॉज यार उसको खुद पे बिलीव है, एंड सबको होना चाहिए यार खुद पे बिलीव किसी से। यार सभी बंदे बोलते भाई मेरे को सपोर्ट कर दो, मेरे को सपोर्ट कर दो, लेजी गेमिंग ऐसा बंदा है जो किसी से आज तक सपोर्ट नहीं मांगा, एंड लगातार 1 साल 1.5 साल से बंदा मेहनत किए जा रहा है, बंदा मेहनत किए जा रहा है एंड गिव अप नहीं कर रहा है, इसलिए यार वो मेरा फेवरेट है एंड वो मेरा इंस्पिरेशन है। मैंने उसको देख के ही इतने ज़्यादा देर तक लाइव स्ट्रीम्स करना चालू किया, एंड आप लोग रिजल्ट्स तो देख ही सकते हो। सो या गाइस, आप लोगों को भी गिव अप नहीं करना है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, ठीक है। एंड समझो अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाए यार Q&A में, बिकॉज यार मेरे लाइफ की सबसे पहले Q&A वीडियो है जो मैं तुम लोग को आंसर्स दे रहा हूँ, तो मिस्टेक्स को इग्नोर करना एंड मज़े करना, एंजॉय करना, लास्ट तक देखते रहो, अभी थोड़े क्वेश्चंस और हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप किसी ओल्ड फ्रेंड का नाम बताओ जब आप यूट्यूब पे नहीं थे। तो मेरे भाई मैं किसी भी एक दोस्त का नाम तो नहीं ले सकता बिकॉज सभी मेरे साथ थे एंड अभी भी मेरे साथ ही हैं, वो अलग बात है, कुछ मेरे ज़्यादा खास थे एंड कुछ सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको कौन सा सपना आया था यूट्यूब चैनल बनाने का। मेरे को कोई सपना नहीं आया था मेरे भाई, मैं बस ऐसे ही देख देख के दूसरों को, बस ऐसे ही मेरे को लगा कि हाँ मेरे को भी करना चाहिए, आते हैं कुछ ट्राई करते, ट्राई करने में क्या जाता है मेरे भाई। सो मैंने यूट्यूब ट्राई करा एंड अभी भी करे जा रहा हूँ एंड करता ही रहूँगा। तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पार्ट टाइम जॉब की सैलरी कितनी है। मेरे भाई मैं कोई भी जॉब नहीं करता, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ाई करता हूँ एंड पढ़ाई के साथ साथ ही मैं यूट्यूब पर थोड़ा सा टाइम देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष भाई का फेस रिवील कब करोगे। भाई फेस रिवील भी जल्दी ही कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ फ्री फायर या फिर गर्लफ्रेंड। तो मेरे भाई आपको क्या लगता है कि मैं फ्री फायर बोलूँगा, तो आपको सही लगता है मेरे भाई, फ्री फायर को ही चूज़ करेंगे मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंथली इनकम हाउ यू फील व्हेन योर फर्स्ट वीडियो वायरल। तो मेरे भाई मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, मेरी जितनी भी वीडियोस पे व्यूज़ हैं वो मेरे खुद के मेहनत के हैं, लाइव स्ट्रीम्स के हैं, तो मेरी कोई भी वीडियो आज तक वायरल ही नहीं हुई, तो मैं कैसे बताऊँ कि कैसा फील हुआ था। बट लाइव स्ट्रीम पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देख के अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना यार, अभी बहुत आगे जाना है मेरे भाई लोग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप इतने ज़्यादा लाइव करते हो तो आपके हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे, बट क्या आपको पता ही होगा, पेन इक्वल टू गेन, जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। तो यार मेरे भाई की मेहनत तो करना पड़ेगा तभी तो कुछ मिलेगा यार। आपने ये बहुत सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो यार गाइस कुछ करो, वो चीज़ जरूर मिलेगी जो तुम पाना चाहते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष भाई की तरफ से, तेरी टोटल कितनी ईएक्स थी। ओके नाइस क्वेश्चन।
मनीष भाई से यही उम्मीद थी कि ये यही क्वेश्चन पूछेंगे, तो भाई आपको बता देता हूँ, थी तो एक भी नहीं, लेकिन अगर आप पूछ लिया है तो बता ही देता हूँ, नंबर्स में 9-10 मान सकते हो और भी ज़्यादा मान सकते हो, 10-12 करके। तो करंट क्रश का नाम बताओ भाई, हम वैक वेंचर्स है यार, रुको आपके लिए एक मीम ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो आप पूरा समझ जाओगे। तुम सुना, पढ़ाई लिखाई नहीं मस्ती में जिंदगी कट गई। क्या बात है? पढ़ाई लिखाई नहीं मस्ती में जिंदगी कट गई और हम बैक बेंचर हैं, हमारी क्रश नहीं होती, जिसको देखा समझो पट गई। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। तो चलिए भाई लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ। तो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कितनी खुशी हुई थी 10 के होने में। तो यार मेरे भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बिकॉज यार इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब 10 के हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था मुझे। एंड भाई आपको 10 के करने में कितना टाइम लग गया? मेरे भाई 3 साल लग गए 10 के करने में। तो भाई लोग यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है तो आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं उस वीडियो को इससे भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहा हो देन सब्सक्राइब कर देना, एंड घर पर रहना, सेफ रहना, मचाते रहना। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर से एक और नए लाइव स्ट्रीम पे एंड वीडियो में भी मिलेंगे मेरे भाई, तो सपोर्ट करते रहना। चलो टाटा।